सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। नाज़रीन अदर टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। कल यानी 28 मार्च से SSLC के इम्तहान का आगाज होने जा रहा है। इस साल SSLC इम्तहान को लेकर बाज़ तलबा में कई तशवीशें पाई जा रही हैं और कई अलियाए तलबा परेशान भी नजर आ रहे हैं। इस साल चूंकि हिजाब के मसले ने रियासत में अचानक सर उठाया है, इस वजह से कई एक वालदैन इस बात को लेकर परेशान है कि आया उनकी लड़कियों को इम्तहान में हिजाब पहनने देंगे या नहीं। बहरहाल नाज़रीन, इसी तशवीश और इसी अंदेशों के दौरान 28 मार्च यानी कल से यानी बरोज पीर से SSLC इम्तहान का आगाज होने जा रहा है। महकमे तालीमात के ज़राए ने बताया कि रायचूर जिले में 114 इम्तहानी मरकज कायम किए गए हैं, जिनमें इस साल जिले से तकरीबन 31,896 तलबा व तालिबात इम्तहान का सामना करेंगे। इनमें 16,725 लड़के हैं जबकि 18,171 लड़कियां शामिल हैं। ये बताया जाता है कि रायचूर तालुके के 9,051 तलबा SSLC इम्तहान का सामना करेंगे जबकि देवदुर्ग तालुके के 4,310 तलबा और लिंगसुगुर तालुके के 6,442 तलबा और मांगी तालुके के 6,038 तलबा, इसी तरह सिंधनौर तालुके के 6,055 तलबा इम्तहान का सामना करेंगे। इस सिलसिले में रायचूर जिले में तकरीबन 114 सेंटर कायम किए गए हैं जहां पर सख्त बंदोबस्त रखा गया है। इसके अलावा महकमा पुलिस की जानिब से भी यहां पर बंदोबस्त रहेगा, साथ ही साथ महकमा सेहत के अहदेदारान भी और महकमा सेहत का स्टाफ भी यहां पर रहेगा। और ये भी बताया जाता है कि तमाम इम्तहानी मराकज को सैनिटाइज कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि ये इम्तहान सुबह 10:30 से शुरू होंगे और दोपहर 1:30 तक चलते रहेंगे। इसमें 15 मिनट सवालिया पर्चा पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला इंतजामिया ने बताया है कि इम्तहानी मराकज के आसपास 200 मीटर तक पाबंदी आयद की गई है। इम्तहानी मराकज के आसपास 200 मीटर तक जेरोक्स कंप्यूटर वगैरह की दुकानें खुली नहीं रहेंगी।